नाजरीन आदाब, आप देख रहे पी न्यूज, मैं हूँ महविश मकीन। पेश है दिन भर की कुछ अहम खबरें, पहले सुर्खियों पर एक नजर। लाल चौक का नाम बदलकर राम चौक रखा जाए, अखंड भारत हिंदू राष्ट्र यात्रा का बयान। हुकूमत मौसमी सरमा के हंगामी हालात से निमटने के लिए अच्छी तरह तैयार है, बटनागर। हम एहतजाज नहीं शुक्रिया अदा करने के लिए आए हैं, SRTC मुलाजमीन। श्रीनगर सेंट्रल जेल के CISF ने जम्मू के कोट बिलवाल की सिक्योरिटी संभाल ली है। दस्तकारी और हैंडलूम महकमा की जानिब से कोकरनाग में खुद इन्हिसारी कैंप का इनेकाद। सिक्किम के वजीर आला ने सैलाब से मुतासिर चांगथांग में सूरत हाल का जायजा लिया। अब खबरें तफसील के साथ। नाजरीन, अखंड भारत हिंदू राष्ट्र यात्रा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक मुज्जत बयान देते हुए इंडिया को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए लाल चौक का नाम राम चौक रखने की बात की और आवाम से कहा कि इसके लिए भारतीय जनता पार्टी को वोट देना चाहिए ताकि POK को इंडिया के साथ मिलाया जाए और लाल चौक का नाम राम चौक रखा जाए। और हम तो भारत सरकार से ये कहते हैं कि लाल चौक की जगह उसका नाम राम चौक रख दीजिए, और जिससे कि देश में जो वर्तमान सरकार है राम राज्य की जो स्थापना करने के लिए कार्य हो रहे हैं देश में पिछले 9 साल से, आने वाले इलेक्शन में भी हमारा जो क्या कहते हैं यही सरकार दोबारा आए और राम राज्य और जो POK है वो वापस हमारे पास। गवर्नर के मुशीर राजीव राय भटनागर ने दावा किया कि मौसमी सरमा और सर्दियों में आने वाले चैलेंजों का मुकाबला करने के लिए हुकूमत ने इंतजामात को काफी हद तक मुकम्मल किया है। टाइगोर हॉल श्रीनगर में नामनिगारों से बात करते हुए भटनागर ने कहा कि हुकूमत ने बर्फ साफ करने और दीगर जरूरी मसाइल से निमटने के सिलसिले में इंतजामात और मशीनरी को पिछले साल के मुकाबले में काफी बेहतरी लाई है और हुकूमत इस साल हंगामी हालात से निमटने के लिए अच्छी तरह लेस है। इधर SRTC के रिटायर्ड मुलाजमीन ने आज प्रेस कॉलोनी में लेफ्टिनेंट गवर्नर और MD SRTC का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि हम यहां एहतजाज करने नहीं बल्कि लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर का शुक्रिया अदा करने के लिए आए हैं, जिन्होंने 13 अक्टूबर को हमारे मुतालबात को मानकर हमारा दीरीना मसला हल किया। प्रोटेस्ट करने नहीं आए हैं, हम सीनियर सिटीजन SRTC के मुलाजिम हैं। इस वक्त सेठा कसमपुरसी की हालत में हम हैं। यहाँ पर हम इसलिए आए कि हाल ही में गवर्नर साहब ने एक ऑर्डर निकाला था जिसके लिए हम गवर्नर साहब का शुक्रिया अदा करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। हम वेलकम करते हैं गवर्नर साहब के कि अपनी अवलीन फुर्सत में उसने वो ऑर्डर निकाला है, कमिश्नर सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट को कॉपी भेज दी, वो कॉपी हमने सबको सर्कुलेट हो गई कमिश्नर साहब ने। दूसरी बात, हम शुक्रिया करते हैं MD साहब के, MD साहब ने हमें जम्मू बुलाया है, जम्मू इसी बारे में उसने बुलाया है ताकि यहाँ मिल बैठ के बातचीत करें। MD साहब के कहने पर हम जम्मू आ रहे थे अगले मंडे को। श्रीनगर सेंट्रल जेल के बाद CISF ने सेंट्रल जेल कोट बिलवाल की सिक्योरिटी संभाल ली है। वाजह रहे कोट बिलवाल सेंट्रल जेल में 900 से जायद कैदी है जिनमें कुछ गैर मुल्की भी शामिल है। इस सिलसिले में CISF के 260 एहलकार डिप्टी कमांडेंट रैंक के अफसर के मातहत जेल में अंदरूनी और बिरूनी हिफाजत पर मामूर रहेंगे। कोकरनाग में खुद इन्हिसारी की तरफ कोऑपरेटिव सोसाइटी की हौसला अफजाई के मौजू पर एक रोजा नुमाइश और बेदारी कैंप का इनेकाद किया गया जिसमें दस्तकारी और हैंडलूम महकमा अनंतनाग ने इश्तराक किया। इस मौके पर जिला कोऑपरेटिव सोसाइटीज के मेम्बरान और सोसाइटियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। पेश है माजिद सलाम की ये रिपोर्ट। रोजन पान कोलगाम सतन तक वन कोलगाम डिस्ट्रिक यद गई मैं लगभग 3.5 वरी गई मगर यारो ये फायदा कहें ये अकेम सदम मंथरी इस प्रेम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बेच चरखा तरंगा तिरंगा मे
ए पी जी अब्दुल कलाम के लग साढ़ त्रे वरी लग भग कहीं अच्छा जम सटा कह आर्जन कहाँ मिक्स यह आर्जनल ये फायदे आव कह बदल हिसाबा मशीन सल चल असल ये आज कम से कम ये गई मे साढ़ त्रे वरी मोन यह कूत खच बह वक् नफर मे योत मोन ये कूत गुस् तेल यू यह गोस त्रे वरी गई ये मोन यह दुसत तौर यह नहीं 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 देखो ऐसा नहीं है, वो ऑलरेडी नेशनल अवार्ड है, ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने उनको नेशनल अवार्ड दिया हुआ। अभी देखो नेशनल अवार्ड का फायदा क्या होता है, अभी जब वो 60 की एज को पहुंच जाएंगे तो उनको हमारा डिपार्टमेंट एज ए पेंशनर उनको वो वहां पे रखेंगे, उनको बाजाब्ता पेंशन मिल जाएगा और कई सारी बेनिफिट्स हैं जो हम उनको हम दे रहे हैं। अब उनका ही है कि कभी वो बेचारे हमारे ऑफिस को अप्रोच नहीं कर पाते हैं, कभी उनका घरेलू मसले मसाइल होते हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे यहाँ पे बहुत सारे अवार्ड है, नेशनल अवार्ड है, स्टेट अवार्ड है, जिनको बहुत सारे फायदे दे रहे हैं। हमारी डिपार्टमेंट हमारा यही है कि आर्जन का डेवलपमेंट होना चाहिए, ओवरऑल डेवलपमेंट फॉर आर्जन कम्युनिटी के लिए, और इंशाल्लाह रहमान यहाँ पे भी हम ऐसे कई प्रोग्रामों का इनका करने जा रहे हैं जिनसे इन सब आर्जन को फायदा मिले। सिक्किम के वजीर आला प्रेम सिंह ने रियासत के सबसे बड़े हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट सिक्किम का दौरा किया, जिसका एक हिस्सा हालिया सैलाब से बह गया था। चीफ मिनिस्टर ने मुकामी लोगों के अलावा एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीएफ और बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन के अहलकारों से बात की। वजीर आला सैलाब मुतासरीन के साथ जाती तौर पर मशगूल रहने और जरूरतमंद अफराद को इमदाद और मुआवजे की तकसीम में सहूलियत फराहम करने के लिए यहाँ खुद हाजिर रहेंगे। नाजरीन, इसी के साथ खबरों का यह शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी, कर खुदा लाया। पी न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दीजिए अपनी मेज़बान महविश मकीन को इजाज़त। खुदा हाफिज़।